गणित में प्रतीक व गणितीय कथन। गणित में परिभाषाएं, गुण, नियम इस तरीके से संक्षिप्त में लिखे जाते हैं। ऐसा न हो तो कथनों व उपपत्तियों को लिखने में जाने कितना लिखना पड़े। गणितीय भाषा सही चिन्हों के उपयोग से किसी बात को सटीकता से कहने में मदद करती है, इसलिए इसका उपयोग प्रमेय सिद्ध करते हुए करना जरूरी है और फायदेमंद भी। वैसे तो गणित में अनेक चिन्ह उपयोग किए जाते हैं, पर यहाँ कुछ चिन्हों और उसके अर्थ दिए हैं। आगे हम इनका उपयोग समझेंगे और कुछ नए कथन भी लिखेंगे। इस तालिका में कुछ चिन्ह और उसके अर्थ दिए हुए हैं, इसे ध्यान से देखिए। क्रमांक एक बराबर है इज इक्वल टू, क्रमांक दो से छोटा है लेस देन, क्रमांक तीन से बड़ा है ग्रेटर देन, क्रमांक चार इसलिए देयरफॉर, क्रमांक पाँच चूंकि सिंस, क्रमांक छः बराबर नहीं है इज नॉट इक्वल टू, क्रमांक सात सभी के लिए या प्रत्येक के लिए फॉर ऑल, क्रमांक आठ का अवयव है बिलोंग्स टू, क्रमांक नौ का अवयव नहीं है डज नॉट बिलोंग टू, क्रमांक दस समरूप है इज सिमिलर टू, क्रमांक ग्यारह सर्वांगसम है इज कंग्रुएंट टू, क्रमांक बारह अंतर्भाव या इंगित करता है इम्प्लाइज टू, क्रमांक तेरह समांतर है इस पैरेलल टू। उदाहरण एक, निम्न शाब्दिक कथनों को गणितीय कथनों में लिखें। अ, पूर्णांक संख्याओं में व्यवकलन करते समय क्रम विनिमेय नियम लागू नहीं होता है। ब, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। हल, अ, ए ऋण बी बराबर नहीं है बी ऋण ए के, सभी ए बी अवयव है आई के। गणितीय कथन लिखने के लिए हमने दो चरों ए और बी का उपयोग किया है और चिन्हों बराबर नहीं है सभी के लिए का अवयव है का उपयोग किया है। ब, एक्स वर्ग बड़ा या बराबर है एक्स के, सभी एक्स अवयव है एन के। यहाँ एक्स किसी प्राकृत संख्या को निरूपित करता है। करके देखें, इन सभी के लिए गणितीय कथन लिखें। किसी पूर्णांक संख्या को एक से गुणा करने पर वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। दूसरा, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है। तीसरा, दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग एक भिन्नात्मक संख्या ही होती है। गणितीय कथनों को सिद्ध करने के ढंग। अभी तक हमने गणितीय कथनों को सामान्यतः सीधे सीधे निगमन तर्क से सिद्ध किया है, इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तो वह सम द्विबाहु त्रिभुज भी है। यदि कोई त्रिभुज समबाहु है तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसकी कोई भी दो भुजाएं भी बराबर होंगी ही, अतः वह सम द्विबाहु भी होगा। आइए अब इन्हीं तथ्यों को हम प्रतीकों की सहायता से लिखकर प्रदर्शित करना सीखते हैं। ए, इस प्रकार कि त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है। बी, इस प्रकार कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यदि कथन ए सही है तो कथन बी भी सही है, अतः इसे निम्नलिखित तरीके से दर्शाएंगे। ए इंगित करता है बी, हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, यदि ए तो बी या ए अंतर्भाव बी। यहाँ चिन्ह अंतर्भाव इंगित करता है का चिन्ह है। करके देखें, इस प्रकार के कुछ और कथन सोचकर लिखें
जिन्हें सीधे सीधे निगमन तर्क पर सिद्ध किया जा सकता है। दूसरा, क्या ए अंतर्भाव बी यह दिखाता है कि बी अंतर्भाव ए? कारण बताएं।